हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू मीडिया। मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। पाक ईरान गैस मंसूबा 2 साल में मुकम्मल हो जाएगा। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिफ दुरानी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ आलमी पाबंदियों के खात्मे के बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। एक इंटरव्यू में उन्होंने वाजी किया है कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारत में 1 साल के दौरान 28% इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा है कि सी पैक से गवादर के साथ चबहार बंदरगाह को भी फ़ायदा पहुँचेगा। आसिफ दुरानी ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने ख़त्म कर दिए गए हैं और बच्चे कुचे दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान में पनाह ले ली है। एक सवाल के जवाब में पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान की सरहदों पर सिक्योरिटी की सूरत हाल का ताल्लुक अफगानिस्तान के हालात से है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सोवियत मुदाखलत के खिलाफ फ्रंट लाइन मुल्क के तौर पर खड़ा था, जिसके नतज अब तक सामने आ रहे हैं। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।